हाय गाइस, वेलकम टू द फूडी फॉलोअर्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही टेस्टी क्रीमी वाइट चीज़ टोस्ट। बहुत बढ़िया ये टोस्ट बनाएंगे, एकदम क्रीमी सा वाइट सॉस बनाएंगे और उसको बनाएंगे एकदम क्रिस्पी सा टोस्ट। तो आइए जल्दी से ये बहुत ही अच्छी टी टाइम स्नैक बनाते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूले। तो सबसे पहले हम व्हाइट सॉस बना रहे हैं, तो एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे हम सबसे पहले बटर, और जब बटर मेल्ट हो जाएगा हम उसके अंदर डाल देंगे यहाँ पर ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। तो जितना व्हाइट सॉस बना रहे हैं उसी अकॉर्डिंग बनाइए, मतलब बहुत ज़्यादा व्हाइट सॉस हमें नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप पूरी फैमिली के लिए बना रहे हैं, अच्छे से बना रहे हैं, तो आप अच्छे से व्हाइट सॉस बना सकते हैं। तो वही है, आपको ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी कि मैदा को बटर के साथ में अच्छे से सौते करना है। कब तक? जब तक कि उसका एक कलर चेंज नहीं हो जाता है और एक अच्छा सा अरोमा नहीं आने लग जाता है। अभी जब हल्का सा सौते हो गया है ना, तो अब इसमें हम डाल देते हैं रूम टेम्परेचर वाला मिल्क। तो गाइस, बिल्कुल ठंडा नहीं डालना है, बिल्कुल गर्म भी नहीं डालना है, बिल्कुल जो रूम टेम्परेचर वाला मिल्क होता है वो डालिए, थोड़ा सा डालिए और लगातार स्टिर करते रहिए। कब तक स्टिर करते रहिए? जब तक कि इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, और धीरे धीरे दूध डालते हुए इसको आप एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी तक ले जाइए। ऐसी कंसिस्टेंसी, ये देखिए, सब परफेक्ट कंसिस्टेंसी फॉर हमारा व्हाइट सॉस। साथ में डाल दीजिए थोड़ी सी पिज्ज़ा सीजनिंग या पास्ता सीजनिंग, जो भी आपके पास अवेलेबल है, और साथ में डाल दीजिए रेड चिली फ्लेक्स, और ये हमारा व्हाइट सॉस रेडी है। एक्स्ट्रा चीज़ ही डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम व्हाइट जो ब्रेड के ऊपर इसे स्प्रेड करेंगे तो एक्स्ट्रा चीज़ वहाँ लगाएंगे। फिर भी आपको और चीज़ चाहिए तो एक चीज़ स्लाइस यहाँ पे आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं। तो ले लीजिए यहाँ पे ब्रेड स्लाइस, और ब्रेड स्लाइस के ऊपर सबसे पहले स्प्रेड कीजिए शेजवान चटनी। शेजवान चटनी नहीं है तो आप घर पे सिंपल गार्लिक चटनी भी स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन कीजिएगा ज़रूर गाइस। अगर आप कुछ स्पाइसी सा इसमें ऐड करेंगे तभी वाइट चीज़ जो सॉस होता है ना, उसके साथ में इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाएगा। तो दोनों ब्रेड स्लाइस के ऊपर अच्छे से शेजवान चटनी स्प्रेड कर लीजिए, और उसके ऊपर आप ऐड कर दीजिए यहाँ पे वाइट सॉस। तो अभी थोड़ा ठंडा हो गया, थोड़ा थिक हो जाता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे वापस टोस्ट करेंगे तो उसकी कंसिस्टेंसी वापस सही हो जाएगी। तो ये लीजिए, अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। तो अगर आपको पिज़्ज़ा की क्रेविंग हो रही है, या आपको कुछ अच्छा सा खाना है, बारिश का मौसम चल रहा है, आजकल तो बारिश किसी भी मौसम में आ जाती है, तो अभी भी बारिश आ रही है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी है। और अभी जब हमने व्हाइट सॉस भी अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, तो बस अब हम इसके ऊपर लगाएंगे मोज़रेला चीज़। चाहे तो आप चीज़ स्लाइस भी रख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे मोज़रेला चीज़ अवेलेबल था तो मैंने वो वाला ऐड कर दिया है। और अब हम इन्हें टोस्ट करेंगे। तो हमें कोई माइक्रोवेव की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप सोचेंगे कि अगर हम पैन पे अगर इन्हें सेकते हैं, डायरेक्ट टोस्ट करते हैं, तो नीचे वाला बेस तो जल जाता है और चीज़ हमारा मेल्ट नहीं होता। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सी एक ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले तो आप पैन का फ्लेम है ना कम कर दीजिए, और फिर साथ में इस तरीके से एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रख दीजिए, और फिर इसको कवर कर दीजिए। तो जो इस पानी से स्टीम बनेगा उसकी वजह से आपका जो चीज़ है वो ऊपर से तो मेल्ट होगा, लेकिन जो आपका ब्रेड स्लाइस है वो नीचे से बिल्कुल नहीं जलेगा, और एकदम परफेक्ट जैसे माइक्रोवेव में बनते हैं बिना जले हुए, मतलब दोनों तरफ से बढ़िया चीज़ होगा, बढ़िया से मेल्ट, और नीचे से हमारा टोस्ट बनेगा बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बिना जला हुआ। तो ये लीजिए गाइज, चीज़ एकदम मेल्ट हो गया है, तो वो पानी की कटोरी निकाल दीजिए, और अब मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल प्रोडक्ट, जो कि बहुत ही यम्मी दिख रहा है, बहुत डिलीशियस है। तो अब देर किस बात की है, आप फटाफट इसे कट कीजिए, सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो मैं आपको एक पीस कट करके दिखाती हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए गाइज, कितना टेस्टी, कितना यमी, बहुत लाजवाब, ये बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और मेरे चैनल पेज पे जाइए और रेसिपीज़ भी देखिए। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।